हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये आज लास्ट क्लास होने वाली है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि अंडर रूट के भीतर दे रखा है आपको 5 + क्यूब रूट एक्स बराबर दे रखा है 3, तो बताना ये है कि एक्स का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ एक्स का मान क्या हो सकता है। आप कहोगे x का मान ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट 16 दे रखा है, 16 का कभी क्यूब रूट होता है। आप कहोगे अगर क्यूब रूट लगा है भीतर, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू मैं 16 रखता हूँ तो 16 देखो किसी का क्यूब होता है, 2 × 4 × 8 × 3 × 9 × 27। 16 तो किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मान लो ऑप्शन नंबर डी देखो 64 रखो, 64 रखो, आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं। आप अगर 64 रखोगे, देखो 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, आप कहोगे 4 का होता है, 4 × 16 × 64, इसका मतलब यहाँ क्यूब रूट खत्म हो गया, क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो 5 + 4 बनाओगे, 5 × 4 कितना हो जाएगा 9, 9 के बाहर क्या दे रखा है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, देखो बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है जब ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a है, तो x y z का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आपको दिया गया है कि a की पावर x बराबर दे रखा है b, b की पावर y बराबर दे रखा है c, c की पावर z बराबर दे रखा है a। आप मुझे बताओ इन तीनों इक्वेशन का आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। आप हो गए a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z बराबर क्या आएगा, b आएगा इंटू c आएगा इंटू a आएगा। आप एक चीज समझो, b इंटू c इंटू a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू b इंटू c, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मल्टीप्लाई 2 × 3 × 4 करो चाहे 2 × 4 × 3 करो, कहीं भी प्लेस का स्टाम्प बदल दोगे मल्टीप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज समझ गए आप, अगर ध्यान से देखो इसके बराबर दे रखा a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। देखो बेस देखो, यहाँ a है यहाँ भी a है, ये देखो b है यहाँ भी b है, ये देखो c है यहाँ भी c है, यहाँ देखो a की पावर कितनी है 1, b की पावर 1, c की पावर 1। आप कह रहे हो कि a की पावर x इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड बराबर है जो ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इंटू सी की पावर जेड 1, ये बताओ मुझे कब पॉसिबल है। आप कहोगे तभी पॉसिबल है जब यहाँ एक्स और वाई और जेड की वैल्यू में एक रखता हूँ, यहाँ पर एक रखोगे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। इसका मतलब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू जो होनी चाहिए वो सभी की क्या होनी चाहिए, एक्स मतलब की 1 होनी चाहिए। आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, आपको 1 × 1 × 1 करोगे ना तो कितना आएगा, बन ही आएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि बहुपद x³ − 6x² + 12x - 8 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। विभाज्य का नियम मैंने बताया था, आप बताओ कैसे चेक करोगे। आप कहोगे ऑप्शन दे जाएंगे x − 2 है, आप कहोगे x − 2 = 0 रखो, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 2 निकल कर आएगी, x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। अगर आप 2 को इसमें देखोगे x की वैल्यू बराबर 2 रखोगे ना पुट करने पर, आपको अगर 0 मिलता है ना तो ये x − 2 से विभाज्य होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ये मैंने तरीका बता रखा है। अब x बराबर 2 रखो, 2 × 4 × 8 हो जाएगा माइनस का, 2 × 4 = 24 माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस 12 × 2 कितना हुआ 24 हो जाएगा, ये क्या है माइनस का 8 है। आप मुझे कहो प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 0, देखो 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 से विभाज्य होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि m और n दो धन पूर्णांक है, यदि m की पावर n बराबर 25 है तो n की पावर m का मान कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो m की पावर n बराबर 25, m की पावर n बराबर 25 है, ये देखो कब पॉसिबल है। आप कहोगे 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है 5 का स्क्वायर बराबर 25 होना चाहिए। अब यहां देखो 5 का मतलब समझो m की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5 आई, और n की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू 2 आई और m की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, n की पावर m मतलब कि 2 की पावर 5, आप बोले तो कभी भी 2 की पावर 5 और नंबर बनाएगा नहीं, कभी भी 2 की पावर में कभी भी 0 नहीं आता ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो 2 की पावर 2 होता है 4,
यहाँ पूछ गया था 2 की पावर 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा, 5 दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। आप स्क्वायर करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 अपॉन x बराबर क्या आएगा, 25। आप बोले तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 25 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 23 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन हो कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर, यहाँ पर मान लो कोई भी नंबर है a, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 23 डायरेक्ट आ जाएगा। आपको बेसिक से भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये चीज ध्यान कर पाते हो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक्स प्लस वाई की पावर क्यू माइनस का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, पहले इसको खोलिए। तो x प्लस y की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला देखो, a क्यूब a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab, ab की वैल्यू क्या x y है ना, 3xy, कोष्टक में x प्लस y, इसको ओपन कर दिया, यहाँ देखो माइनस का, भीतर गुणा करोगे क्या बनाएगा, माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। आप मुझे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब ये देखो कैंसिल हो जाएंगे, आपके सामने नंबर क्या आया, 3xy कोष्टक में x प्लस y, आप मुझे तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, समझ लो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आप मुझे तो या तो गुणनखंड 3xy होगा या xy x प्लस y होगा। देखो आप मुझे तो ऑप्शन में कहां दे रखा, आपको पे 3xy दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि 1 अपॉन ए माइनस बी की पावर माइनस का 2 के गुणनखंड होंगे। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ए की पावर मान लो माइनस का एन है, तो इसको रिवर्स करने पर हमको क्या होता है, ए की जो पावर होती है वो प्लस में हो जाती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बस इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ देखो 1 अपॉन ए माइनस बी की पावर क्या दे रखा, माइनस का 2। अब इसको मैं रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए माइनस बी की पावर 2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, मुझे तो ये देखो क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे और एक बार नंबर को घटाएंगे, नंबर को एक बार जोड़ोगे 1 प्लस ए माइनस बी रहेगा और एक बार नंबर को घटाएंगे 1 माइनस तो ए रहेगा और माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। देखो कहां मिलता 1 प्लस ए माइनस बी, कहां दे रखा 1 प्लस ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, और आगे देखो क्या लिखा, 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, ये देखो माइनस ए प्लस बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का एक गुणनखंड है, कहने का मतलब ये हुआ x माइनस 2 अगर गुणनखंड है ना, तो इसके बराबर 0 रखो, x बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू हमको क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, तभी ये गुणनखंड पॉसिबल है। और कह रहा है तथा b बराबर 4a तब a और b के मान क्रमशः हैं। दोस्तों पहले आपको ये देखना है ना, x बराबर 2 रखो, देखो 0 मिल रहा है, आप अगर 2 रखोगे आपके सामने इक्वेशन का देखो कि x क्यूब प्लस का ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 16, आप कहोगे x बराबर 2 रखने पर मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। आप देखो x की वैल्यू 2 रखोगे, यहां कितना बनेगा 8, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4a प्लस का 2 और b करोगे 2b आ जाएगा प्लस का 16 बराबर 0 मिलना चाहिए। एक कंडीशन और आपको दे रखा कि b बराबर क्या है 4a, आपको दे रखा b बराबर 4a, आप मुझे तो बहुत ध्यान से b बराबर अगर आप 4a रखोगे, देखो यहां 4a बराबर क्या है, आपको अगर 4a बराबर b भी हो सकता है, जब b बराबर 4a है तो 4a बराबर b भी हो सकता है, इसका मतलब 8 प्लस 4a की जगह मैं b रखता हूं, b प्लस 2b करोगे कितना आएगा 3b प्लस 16 बराबर 0, आप देखो 16 8 कितना हुआ 24 हुआ, 3b बराबर इधर का 24 जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, अब b की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 24 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 8 आएगी, b की वैल्यू माइनस का 8 आएगी। अब देखो माइनस का 8 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गए। अब देखना b की वैल्यू माइनस का 8 है, इसका मतलब आपको दे रखा b बराबर 4a, तो यहां b की वैल्यू माइनस 8 रखूंगा तो 4a आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, 4 से काटोगे 4 * 8 माइनस का 2 आ जाएगा, a की वैल्यू माइनस का 2 है और b की वैल्यू माइनस का 8 है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की।
तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि बहुपद px बराबर x की पावर 4 - 2x क्यूब + 3x स्क्वायर - ax + 3a - का 7 को जब x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 19 आता है। बताओ ये अधूरा सवाल है, शेष पर 19 आता है, आपको क्या करना है, यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो कुछ दे नहीं रखा, लेकिन आप समझदार हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर किसकी वैल्यू आनी चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सवाल तो दे रखा है ना, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया, आपको बताया नहीं गया किसकी वैल्यू दी गई। आप समझदार हो तो आप निकाल सकते हो कैसे, आपको अगर x + 1 से विभाजित किया जाता तब शेषफल के साथ आता है। कहने का है मतलब ये हुआ x + 1 = 0 रखोगे, x बराबर क्या आएगा -1। जब मैं x की वैल्यू यहां -1 रखता हूं तो मुझे शेषफल कितना मिलता, 0 ना मिलकर हमको कितना मिल रहा, 19 मिल रहा। चलो रखो -1 की पावर 4 रखोगे क्या बनेगा प्लस का 1, अब माइनस का 1 की पावर क्यूब माइनस का 1 माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहां देखो -1 रखोगे -1 प्लस ही बनना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहां देखो अगर -1 रखोगे माइनस माइनस बना देगा प्लस प्लस का a हो जाएगा। ये क्या है प्लस का 3a माइनस का 7 बराबर कितना मिलना चाहिए 19। अब अगर ध्यान से देखो 2 1 3 3 3 6, अब 6 में जब माइनस का साथ जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये देखो कितना बचेगा 4a, 4a बराबर प्लस 1, 19 प्लस 1 करोगे 20 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 4 5 से 20, a की वैल्यू एक्चुअली आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि 4x2 + y2 + 14x - का 7y - का 4xy + 12 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी सवाल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको एक्चुअली आपको पकड़ना क्या, आपको चाहिए गुणनखंड, गुणनखंड चाहिए तो आपको कुछ ऐसा नंबर फिगर चाहिए मतलब कि इसके साथ में मल्टीपल होना चाहिए तभी तो गुणनखंड चाहिए, तभी तो गुणनखंड मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर ध्यान से देखो 4x2 + y2 - का 4xy जो है ना माइनस का 4xy को अगर मैं एक साथ लेता हूं तो ये क्या बनाएगा, आप कहोगे ये जो बनने वाला है वो 2x - y का होल स्क्वायर बनेगा। देख लो ना, a माइनस b का स्क्वायर करोगे आपको ये मिलने वाला, आपको शेष आपको बचा मिलता है। आप कहोगे 14x माइनस का 7y और प्लस का 12 बचा। आप अगर ध्यान से देखो आपके सामने जो भी गुणनखंड है ना वो लास्ट में क्या दे रखा है, या तो 4 माइनस 3 दे रखा है, कहीं भी 12 तो नहीं दे रखा ना, कभी कॉमन है यहाँ पर कोई कॉमन है। आपको भी एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, एक चीज आपको ध्यान करना है, इस सवाल में अगर मैं क्या करता हूँ, इस सवाल में मान लो प्लस का 16 जोड़ता हूँ और माइनस का 16 घटाता हूँ, ये दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ 4 बनाना है तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, समझ लो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। आपको जो तो प्लस का 16 करना है माइनस का 16 करना है। आप अगर ध्यान से देखो 2x - y का स्क्वायर जो है, और ये माइनस 16 को मैं इधर रखता हूँ, इसको माइनस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस का देखो आगे देखो 14x माइनस का 7y 16 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ते एक बार घटाते 2x - y, एक बार जोड़ोगे ना प्लस का 4 और एक बार घटाओगे 2x, देखो प्लस 4 - 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2x माइनस का y और माइनस का 4 हो जाएगा। ये चीज समझ गए, माइनस का 4 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो इसमें देखो क्या कॉमन है, आप कहोगे इसमें कॉमन है मेरा 7, 7 कॉमन लोगो 7 दूनी 14 है, 2x माइनस का y प्लस 7 को 28 प्लस का 4 कॉमन आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो 2x माइनस y प्लस 4, 2x माइनस y प्लस 4 दोनों में कॉमन है, आप कहोगे दोनों में कॉमन है तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 2x माइनस y प्लस 4 दोनों में कॉमन है, देखो भीतर क्या बचेगा, आप कहोगे 2x माइनस y माइनस का 4 और इधर जो बचेगा प्लस का 7 बचेगा, माइनस का 4 प्लस 7 जो होगा वो बना देगा आपको प्लस का 3, प्लस का 3 मतलब कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो या तो ये होगा 2x माइनस y प्लस 4। अब देखो 2x माइनस y प्लस 4 तो कहीं नहीं दे रखा ना, लेकिन आपने आइडिया तो वही लगाया था, मुझे 4 चाहिए कम से कम 4 चाहिए, आप मुझे तो 2x माइनस y प्लस 4 तो नहीं दे रखा। आप देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गए, इसका मतलब इसका गुणनखंड ये नहीं देगा, गुणनखंड इसका ये दे रखा है एक्चुअली एग्जाम में, आपको तो 2x माइनस y प्लस 3 दे रखा है, 2x माइनस y प्लस 3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी, एक्चुअली इसके गुणनखंड दो हो गए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपके क्या रखा है ये तो आपको पता करना है। आपको तो दो ऑप्शन आपके सामने पॉसिबल है, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है तो हम इसको क्लिक करेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, थोड़ा सा समझोगे ना इस टाइप के सवालों को बनाने का प्रयास करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों ये थे आज का लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।